हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम फॉर द ऑनलाइन लेक्चर फॉर द स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट EVS। टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 4 डायरेक्शन एंड मैप। वी हैव कंप्लीटेड टिल चैप्टर 3। ओके, सो व्हाट इज़ द टॉपिक? डायरेक्शन एंड मैप्स। नाउ व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर? इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज़ टू रो। गर्ल्स एंड बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन टू रो, वन फ्रॉम दिस साइड एंड another from the next side, and they are facing each other. Now after forming two rows, students ने दो row बना लिए और एक दूसरे को face करके खड़े हैं, and here teacher standing, and teacher start questioning कि on which side of you is blackboard. For second question is on which side of you is the main door of the classroom. थर्ड क्वेश्चन इज ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ अ टीचर टेबल। यहाँ पे टीचर्स ने स्टूडेंट्स से 3 क्वेश्चंस पूछे हैं कि वेयर इज़ द ब्लैक बोर्ड, वेयर इज़ द डोर एंड वेयर इज़ द टीचर टेबल। अब दोनों रो के स्टूडेंट्स एक दूसरे को अलग डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं, तो किसी को ये टेबल फ्रंट में दिखेगा, किसी को ये टेबल बैक में दिखेगा। कि ये साइड वाले बोलेंगे कि टेबल इज़ बिहाइंड, एंड वो साइड वाले बोलेंगे टेबल इज़ इन फ्रंट। सिमिलरली डोर के लिए भी ये साइड वाले स्टूडेंट बोलेंगे कि डोर इज़ इन फ्रंट, एंड ये वाले बोलेंगे डोर इज़ बिहाइंड। ओके, एंड टीचर्स क्या बोल सकते हैं? टीचर बोलेंगे डोर इज़ इन फ्रंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने डायरेक्शन को कैसे बताया है कि या तो कोई चीज़ हमारे राइट में है, या तो लेफ्ट में है, या तो बिहाइंड है, या तो फ्रंट में है। एंड सबके जो आंसर्स है वो मैच नहीं कर रहे। क्यों मैच नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वो अपना जिस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि कौन सी चीज़ लेफ्ट में है, कौन सी चीज़ राइट में है, या कौन सी चीज़ फ्रंट है, फ्रंट यानी आगे, कौन सी चीज़ बिहाइंड यानी पीछे है। सबका डायरेक्शन सेम हो, सबका आंसर सेम हो, उसके लिए हम लोग डायरेक्शंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डायरेक्शंस। सी द फोर मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, नाउ व्हाट टीचर्स डू? टीचर्स ने हर चीज़ के ऊपर लेबल कर दिया है कि अभी ब्लैक बोर्ड वेस्ट में है, और ये जो पूरा नॉर्थ साइड पे चार्ट है और डोर है। एंड अगेन इफ टीचर विल आस्क द क्वेश्चन कि अब बताओ कि ब्लैक बोर्ड कौन सी जगह पे, तो सबका आंसर क्या रहेगा? सेम, द ब्लैक बोर्ड इज इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि सबको एक ही आंसर मिले या सबको एक ही लोकेशन पता चले, कि नहीं तो सब अलग अलग रिप्लाई करेंगे कि हमारा बिहाइंड है, हमारा फ्रंट है। सो डायरेक्शन से एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। जैसे अभी डोर कौन से साइड पे है? नॉर्थ में है। ब्लैक बोर्ड कहाँ है? वेस्ट में। अब अगर स्टूडेंट्स से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो सबके आंसर्स सेम रहेंगे। ओके, नाउ सी नेक्स्ट, लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है? लेट्स सी, यू कैन सी द बॉय। ओके, एंड बॉय के सामने ईस्ट है, देन उसके पीछे वेस्ट, देन नॉर्थ, देन साउथ। सो द फोर मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हाउ डू वी फाइंड देम? अब कैसे पता चलेगा कहाँ ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है, एंड कहाँ नॉर्थ है, कहाँ साउथ है? सो डायरेक्शन इन विच द सन राइज, जो डायरेक्शन में सन राइज होता है यानी सन उगता है, बाहर आता है, उसको बोलते हैं ईस्ट। और जहाँ पर सन सेट करता है उसको बोलते हैं वेस्ट। एंड ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर ईस्ट ये साइड पे है तो उसके अपोजिट में वेस्ट रहेगा। नाउ ईस्ट एंड वेस्ट हो गया, नेक्स्ट इज नॉर्थ एंड साउथ। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द ईस्ट, अगर हमारा फेस ईस्ट के डायरेक्शन में है तो हमारा वेस्ट कहाँ रहेगा? हमारे बिहाइंड। एट दैट टाइम नॉर्थ इज टू द लेफ्ट, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ रहेगा और राइट हैंड साइड पे साउथ रहेगा। सो हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू रिकॉग्नाइज द डायरेक्शन? You can recognize the direction by seeing if you are facing east. East कहाँ है? जहाँ पे sunrise है। अगर आप east को face कर रहे हो तो आपका back side रहेगा west, और आपके left side पे रहेगा north and right side पे रहेगा south. So this is very important question के which are the main directions and how many main directions are there? There are 4 main directions: east, west, north and south. And the sun rises in east and sunset in west. Okay, now let's turn the page. Now see student, this is an activity which you can do on your own. Okay student, now you can see this. Here is a question, what is the solution? Is an activity type which you can do on your own. Read and you can do it on your own. Okay,
पिक्चर्स देख के आपको ये एक्टिविटी या सॉल्व करना है कि मतलब कौन किधर है, कैसा है, ये आप रीड करोगे आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड कंट्री. इन द टॉपिक डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड कंट्री वी विल लर्न दैट इंडिया इज माई कंट्री. वी हैव बीन रीडिंग दिस सेंटेंस इन द प्लेज एवर सिंस स्टैंडर्ड फर्स्ट. मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप जब प्लेज रीड करते हो तो उसमें ये वर्ड रहता है इंडिया इज माई कंट्री, यानी हमारे कंट्री का नेम इंडिया है. और हमारा इंडिया जो कंट्री है वो कहाँ है, वर्ल्ड में ही है. एंड वर्ल्ड क्या है, अर्थ पे. तो अर्थ को हम लोग वर्ल्ड भी बोल सकते हैं कि हमारा वर्ल्ड है. अब न्यू वर्ड्स है जैसे अर्थ, वर्ल्ड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, ये हम लोग ये लर्न कर सकते हैं. जैसे सबसे बड़ा अगर वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बाद उसमें अगर कंट्री आ रहा है, फिर कॉन्टिनेंट आ रहा है, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, मतलब छोटे से छोटा, फिर डिस्ट्रिक्ट से छोटा तालुका हो गया, तालुका से छोटा विलेज. तो इस तरीके से ये सब चीज़ें कहाँ हैं, हमारे वर्ल्ड में ही है, हमारे अर्थ पे है. ओके, फिर वी कैन स्टार्ट कि वी लिव इन अ हाउस, अ हाउस आर बिल्ड ऑन लैंड, कि हम कहाँ रहते हैं, हाउस में रहते हैं. और हमारा हाउस कहाँ है, लैंड यानी ज़मीन पे. और ये लैंड कहाँ है, हमारे अर्थ पे है. ओके, हमारे वर्ल्ड में ही है. सो वास्ट सेक्शन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जो सबसे बड़ा लैंड का पोर्शन होता है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं. फिर कॉन्टिनेंट से छोटा होता है कंट्री ऐसा. और सॉल्ट वाटर टू ऑक्यूपाइज द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दिस पार्ट इज कॉल्ड ओशन. अब जैसे एक लार्ज पोर्शन जो लैंड का है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, वैसे सॉल्ट वाटर यानी खारा वाटर का जो सर्फेस होता है, जो खारा वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं, ओशियन. ओशियन वाटर कैसा रहता है, सॉल्टी. एंड वो भी हमारे अर्थ का बहुत मेजर सर्फेस ऑक्यूपाइज करके रखा है, यानी बहुत ज़्यादा पोर्शन. सो अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड. सो अंडरस्टूड किसको बोलते हैं, हम जो एरिया में रहते हैं, जो भी लैंड पे रहते हैं, वो सब वर्ल्ड में ही है ऑल टुगेदर. फिर सबसे अगर छोटा से मतलब इसमें कैसे स्मॉल से स्मॉल, जैसे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से छोटा तालुका, फिर विलेज. इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ें लर्न करेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे थाना डिस्ट्रिक्ट होते हैं, हम लोग थाना डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं. फिर मुंबई एक सिटी डिस्ट्रिक्ट होती है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट होती है, पुणे डिस्ट्रिक्ट होती है. फिर उससे छोटे छोटे तालुका होते हैं, जैसे तालुका बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि कल्याण एक छोटा तालुका हो जाएगा, या उल्लासनगर, अम्बरनाथ, ये सब सेक्शन जो है वो सब तालुका के जोन में आते हैं. सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा तालुका है. एंड विलेज ऑल्सो, यू नो, विलेज यानी गाँव. ओके, देन वी विल स्टार्ट विद द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड, यानी हमारा अर्थ को हम वर्ल्ड भी बोल सकते हैं. द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड. अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड. अब देर आर मैनी कंट्रीज ऑन द लैंड ऑफ द अर्थ. अब यहाँ अपने वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है. वर्ल्ड कहाँ है, वर्ल्ड यानी अर्थ. अर्थ के अंदर बहुत सारे जैसे कॉन्टिनेंट है, वैसे बहुत सारे कंट्री भी है. जैसे इंडिया एक कंट्री है. अब कंट्री के अंदर आता है स्टेट. तो जैसे बहुत सारे एक कंट्री में बहुत सारे सारे स्टेट्स होते हैं. तो वैसे जैसे एक अपने इंडिया में एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, उसमें स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र. वैसे सिर्फ एक स्टेट नहीं होता है, एक कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं. जैसे पुणे डिस्ट्रिक्ट हो गया. ओके, देन वी हैव स्टेट के बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट्स. पहले एक कंट्री रहेंगी. ओके, एक कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स, फिर स्टेट्स में होती है डिस्ट्रिक्ट्स. तो इस तरीके से पूरा डिवाइड रहता है. हर कंट्री में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, अलग अलग तालुकास होते हैं. ओके, ना इंडेक्स इन अ मैप, सिम्बॉल्स, पिक्चर्स, साइन एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर आर यूज टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैप. A list of this symbol etc. is given along in the, with the map. This list is called index. अब हर map में हम लोग को अलग अलग चीज़ identify करने के लिए, पहचानने के लिए एक symbols या कोई picture या तो कोई signs दिया रहता, sign दिया रहता है, तो जिससे हम लोग identify कर सकें. Okay? Now let's see this. You can see this. Page 25 of your textbook. यहाँ पे एक map है और ये map का index है. जो ऐसा बड़ा बड़ा डैश वाले लाइन है वो डिस्ट्रिक्ट है. मतलब ये लाइन की जो भी प्लेस रहेगी वो क्या आइडेंटिफाई करेगी, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री. मतलब वहाँ की इतनी बाउंड्री है. फिर जो बारीक बारीक डॉटेड है वो तालुका है. अब ये राउंड ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और ये स्मॉल राउंड तालुका.
जैसे अभी ये थाना डिस्ट्रिक्ट का पूरा मैप है, ओके, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे थाना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ऐसा लिखा है ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ओके, यू कैन सी दिस डिस्ट्रिक्ट्स। अब थाने डिस्ट्रिक्ट के पास यहाँ पे जो स्मॉल तालुका है वो क्या है, थाने। यहाँ पे अंदर छोटा छोटा क्या है, शाहपुर, भिवंडी, मुरबाद, ओके, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट का मैप देख रहे हैं। तो हम लोग ईजिली रिकगनाइज कर सकते हैं, अगर आपसे टीचर पूछेंगे कि ये आइडेंटिफाई करके बताओ, तो यू कैन लुक इन द पिक्चर एंड यू कैन आइडेंटिफाई, ओके। सी, राइट द नेम ऑफ योर टाउन इन तालुका, मतलब तुम्हारे जो टाउन है और कौन से तालुका है वो सब तुम लिख सकते हो मैप में पढ़ के। जैसे हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, वी लिव इन मुमरा, तो हम लोग थाने डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सो यू कैन ईजली आइडेंटिफाई दिस थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स। सो दिस इंडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप, ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड। इन दिस लेसन वी हैव लर्न समथिंग न्यू टॉपिक, दैट इज़ अ मैप। मैप को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, और मैप में हमेशा ये डायरेक्शंस भी आपको बताया जाता है कि कौन सा प्लेस कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ साउथ। अगर टीचर आपसे पूछेंगे कि ये प्लेस कौन से डायरेक्शन में है, तो यू कैन सी दिस डायरेक्शन एंड यू कैन आंसर, ओके स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ पे आगे आपको बहुत सारे अलग अलग मैप है विच यू कैन रीड एंड यू कैन डू ऑन योर ओन। जैसे अब ये महाराष्ट्र स्टेट का मैप है, और ये जो इंडेक्स है इसमें स्टेट की बाउंड्री, स्टेट कैपिटल, सेकंड कैपिटल, जैसे हर एक स्टेट में कैपिटल होता है, करेक्ट, ओके, जैसे महाराष्ट्र का कैपिटल, फिर उसके अंदर अगर कोई और है तो उसका कैपिटल क्या है, फर्स्ट कैपिटल क्या है, सेकंड कैपिटल क्या है। जैसे महाराष्ट्र स्टेट का कैपिटल क्या है, मुंबई, करेक्ट, मुंबई इज़ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, कैन यू सी दिस, मुंबई इज़ द फर्स्ट कैपिटल। देखो फर्स्ट कैपिटल के लिए यहाँ पे क्या दिया था, यू कैन सी दिस सिंबल फर्स्ट कैपिटल के लिए, कि अगर स्टेट, हमारे स्टेट का कैपिटल यानी महाराष्ट्र स्टेट का कैपिटल क्या है, मुंबई, लेकिन हमारे स्टेट का सेकंड कैपिटल भी होता है, तो यहाँ पे सेकंड कैपिटल क्या दिखा रहा है, यहाँ पे नागपुर। सो दिस वे यू कैन रिकगनाइज द थिंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको डायरेक्शन प्रॉपर पता है, इंडेक्स रीड करने आ रहा है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे इंडिया का मैप, एंड उसके अंदर भी इंडेक्स दिया गया है कि अगर डॉटेड वाला लाइन है तो वो क्या है, नेशनल कैपिटल क्या है किसका, ओके, जैसे हमारे कंट्री का कैपिटल क्या है इंडिया का, तो दिस सी न्यू दिल्ली, कैन यू सी दिस, ओके, नाउ इट इज़ विजिबल प्रॉपरली कि हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू अंडरस्टैंड द मैप, हाउ टू रिकगनाइज देम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। सो इन दिस लेसन वी हैव लर्न डायरेक्शंस, दैट इज़ फोर मेन डायरेक्शंस। हमने स्मॉल स्मॉल चीज़ें पढ़े हैं कि डिस्ट्रिक्ट कैसे होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट से छोटा तालुका है, फिर स्टेट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, थैंक यू।